भारत में होली में होलिका दहन की परंपरा रही है, लेकिन इसके पीछे की कहानी और इतिहास पूर्णिया के बनमनखी से जुड़ा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारतवर्ष में होली की पूर्व संध्या पर जिस होलिका को जलाते हैं, उसकी शुरुआत पूर्णिया के सिकलीगढ़ धरहरा में हुई थी। मान्यताओं के अनुसार असुर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने की तपस्या की थी और देवताओं को पराजित कर दिया था, लिहाजा तीनों लोगों पर हिरण्यकश्यप का अत्याचार शुरू हो गया था। और तब भगवान विष्णु ने भक्तों के कल्याण के लिए अपने अंश प्रहलाद को असुर राज की पत्नी कयाधु के गर्भ में भेज दिया। प्रहलाद जी को बचाने के लिए इसी खम्भ से अवतार लिए थे, वही खम्भ है जो कौन निकले थे? नरसिंह भगवान विष्णु जी का अवतार लेकर के। फिर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप को वध किए, प्रहलाद जी को बचाए, वही खम्भ है जो देव जी का वरदान मिला था कि तू नहीं अस्त्र से मरेगा, नहीं शस्त्र से मरेगा, न शाम में मरेगा, न रात में मरेगा, गोदेले बिला के टाइम में मरेगा। तो आधा छत के उल्टी मरा उसको जंघा पे लेकर के। होली का दहन होता है, उसमें बहुत खर्च भी होता है, पुतला बनता है जी, पुतला बनता है 30 फीट का, उसमें आग लगा देता है 6:30 बजे शाम में। जन्म से ही भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त थे, जिसे हिरण्यकश्यप उसे अपना शत्रु समझने लगा। अपने पुत्र को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ प्रहलाद को अग्नि में जलाने की योजना बनाई, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसी चादर थी जिस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योजना के अनुसार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को वही चादर लपेटकर प्रहलाद को गोद में बिठाकर आग जला दी और तभी इसे खम्भे से नरसिंह अवतार हुआ। भक्त प्रहलाद बच गए और तेज हवा ने होलिका की चादर उड़ा दी, जिससे वो अग्नि में जल गई। ये वही स्थल है जहां होलिका दहन हुआ था और भक्त प्रहलाद बाल बाल बच गए थे, और तब से इस तिथि पर होली मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप के वध के लिए ऐसा हुआ था, लेकिन उनका होलिका दहन में वध नहीं हो सका, जिसके कारण दूसरा होलिका दहन हो गया और होलिका का भी वध हो गया, दहन हो गया, जो कि उनका काफी अवशेष अभी भी इस स्थल पर पड़ा हुआ है, खुट्टा के रूप में। अभी जो है वो भी खुट्टा जो है आपको ना तो पत्थर दिखाई दे रहा है वैसे, और ना सीमेंट का। हाँ, खुट्टा खंभा को जो है फाड़ करके जो निकला है, उनका अभी दरार भी आपके सामने भी है, मौजूद भी है, और वहाँ उनका मूर्ति भी लगे हुए हैं। और काफी स्थलीय स्थल है और ये विश्व में विख्यात है। हर वर्ष यहाँ जो है होलिका दहन के अवसर पर लाखों करोड़ों के भीड़ में लोग यहाँ मंदिर का जो है दर्शन करने के लिए, नरसिंह अवतार का दर्शन करने के लिए और देखने के लिए, और यहाँ तक कि यहाँ से कई बार हम देखते हैं कि फिल्म में भी कुछ भोजपुरी फिल्म के भी हीरो हीरोइन आते हैं और यहाँ से सीन ले जाते हैं। नरसिंह अवतार के इस मंदिर में दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और उनकी सभी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हर वर्ष धूमधाम से होलिका दहन होता है और यहाँ होलिका जलने के बाद ही दूसरी जगह होलिका जलाई जाती है। भक्त प्रहलाद मंदिर देखने के लिए यहाँ पे होलिका दहन बहुत जोर शोर से होता है और ये मंदिर को प्रसिद्ध माना जाता है। आदमी पर्यटक सब भी यहाँ पे बहुत बहुत दूर से आते हैं घूमने के लिए। यहाँ शादी विवाह भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, मंदिर नामी है। वहीं इलाके के विधायक और बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने इस स्थल को पर्यटन स्थल का दर्जा दिलाया और होली के मौके पर राजकीय समारोह घोषित किया। बनमनखी में खास करके होली के समय में जो होली में होता है वह महोत्सव, आप जान लीजिए कि भगवान नरसिंह का अवतार बनमनखी की धरती पर हुआ था और इस सिंह के रूप में जिसका अवतार हुआ था। हमने भी कई जगह घूमने का मुझे मौका मिला है, नहीं देखा कि भगवान नरसिंह का कहीं है, बनमनखी में ही इस तरह का अवतार में हुआ था। और इस बार हमने इस सभी जगह को एक पर्यटन के दृष्टिकोण से इसको बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन विभाग से हमने अपने अधिकारी को भेज करके सभी जगह, जैसे पूर्णिया में भी आपने देखा होगा कि माँ काली का मंदिर है, पूरन देवी मंदिर है, भक्त प्रहलाद की धरती है, महादेव स्थान है, बरनेसर है आपके बगल में, तो इस तरह के सभी महत्वपूर्ण जो जगह है पूर्णिया जिला में हमने पर्यटन स्थल में उसको चिन्हित भी कर लिया है और सर्वे भी करा लिया है। और मैं हम चाह रहे हैं कि साल 20 में ही सभी स्थलों पर मैंने उसकी काम की शुरुआत हो जाए। होलिका दहन की परंपरा से जुड़ी पूर्णिया के इस ऐतिहासिक स्थल पर
हर वर्ष विदेशी सैलानी आते हैं और कई फिल्मों की शूटिंग भी यहां हो चुकी है। बावजूद इसके स्थल का जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।